हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मिरर क्यूब को बनाना। मिरर क्यूब को बनाने के लिए हमें 3x3 के फॉर्मूलास को ही यूज़ करना है। 3x3 के एल्गोरिथम यूज़ करके ये बन जाएगा लेयर वाइज। हम इसको लेयर पैटर्न से बनाने वाले हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और फिर अपनी आखिरी लेयर, थर्ड लेयर। तो सबसे पहले हम इसे शफल करके क्रॉस बनाएंगे, जैसे हम 3x3 में करते थे। तो चलिए मैं अपने क्यूब को शफल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने क्यूब को शफल कर लिया। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे ऊंचे सेंटर पीस को ढूंढना होगा। ये या तो वो सबसे बड़ा हो या वो इक्वल हो किसी सेंटर के। अब ये इसके इक्वल है तो हम इसी को होल्ड कर लेते हैं। ये भी इक्वल है वैसे तो, लेकिन देखिए ये ऊपर जा रहा है इससे, तो हम इसको होल्ड नहीं कर सकते, इसी को हमें होल्ड करना पड़ेगा। अब हम इसके हिसाब के ये बड़े बड़े पीसेस को ढूंढेंगे और यहाँ पर मैच कर देंगे। एक पीस मेरे को पहले से ही मैच हुआ हुआ मिल गया। आपके साथ भी ऐसा कोई भी केस हो सकता है कि आपको एक पीस पहले से ही मैच हुआ हुआ मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, हम अपने 3x3 रूबिक्स क्यूब में सबसे पहले एक क्रॉस बनाते थे, जो हमें सेम इसमें भी करना है। ये एक सेंटर मैच है, एज मैच है। अब हम बाकी एच पीस ढूंढेंगे, बड़े बड़े होने चाहिए वो, ताकि वो इसके साथ मिल जाए, और इसके हाइट और साइज के भी होने चाहिए। चलिए तो अब हम अपने बाकी एच पीसेस को ढूंढते हैं। एक बड़ा एच पीस यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। अब मैं इसको यहाँ के सेंटर से मैच करके देखूंगा। इससे मैच नहीं हो रहा, इससे मैच नहीं हो रहा, इससे मैच हो गया। ये देखिए इससे मैच हो गया ये। अब बस आप इसको सिंपली क्यूब को ऐसे होल्ड कीजिए, दो बार इसको घुमाकर यहाँ ले आइए। ये देखिए ये भी परफेक्टली मैच हो गया इससे। अब हम अपने अगले बड़े एच पीस को ढूंढते हैं। तो चलिए अगले पीस को ढूंढते हैं। तो देखिए मेरे को एक और पीस मिल चुका है। अब हम इसको मैच करके देखते हैं अपने सेंटर से। ये इससे मैच नहीं हो रहा, इससे मैच नहीं हो रहा, इससे मैच नहीं हो रहा, इससे मैच हो रहा है। ये देखिए अब बस इसको सिंपली दो बार करके ऊपर ले आइए। अब ये देखिए ये भी मैच हो गया। अब हमारे क्रॉस के बस ये साइड बची है। इस साइड को बनाने के लिए भी हम सेम ही करेंगे। तो चलिए अगले बड़े पीस को ढूंढना शुरू। तो अब हम अपने इस लेयर में ढूंढते हैं आखिरी पीस को। ये रहा वो आखिरी पीस। अब इसको मैच करके देखते हैं। इससे मैच नहीं हो रहा, इससे मैच नहीं हो रहा, इससे मैच नहीं हो रहा, लेकिन इससे मैच हो रहा है। अब बस इसको सिंपली दो बार ऊपर ले आइए। ये देखिए ये लेकिन यहाँ पर नहीं फिट हो रहा। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने सेंटर को सही से होल्ड ही नहीं कर रखा। सेंटर को सही से होल्ड ही नहीं कर रखा हमने अपने क्यूब के। ये छोटा सेंटर है, माफ कीजिएगा, मैं इस सेंटर पे बना रहा था गलती से, इस सेंटर पे ध्यान चला गया। ये बन चुका है हमारा एक क्रॉस। अब हम अपने कॉर्नर पीसेस को मैच करना शुरू कर देते हैं। कॉर्नर पीसेस को मैच करने के लिए हमें यहाँ के पीसेस को ढूंढना होगा। इस लेयर में पीसेस ढूंढेंगे अब हम यहाँ पर। अब हमें अंदाजे से कुछ करना होगा। ये देखिए ये बड़ा पीस है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ फिट होगा या नहीं होगा। ट्राई करके देख लीजिए, आर डी से ये ट्राई हो सकता है। आर डी। अब ये देखिए ये यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। अब ये यहाँ के पे किसी भी स्पॉट पे फिट नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा थोड़ा बड़ा पीस है, ये बड़ी जगह पर ही फिट होना था, लेकिन ये यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। तो मैं इसे सिंपली वहाँ से हटा देता हूँ। अब एक और मेरे पास यहाँ पर एक बड़ा पीस है, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं कि ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। R D R prime D prime R D R prime D prime R D। अब ये देखिए ये भी मैच नहीं हो रहा, इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं पीस को। देखिए अब ये एक बड़ा पीस है और यहाँ पर भी एक बड़ी प्लेस है, तो सिंपली इसको नीचे लाइए, इसको यहाँ पर फिट कीजिए, इसको ऊपर ले आइए। देखिए कितनी सिंपल तरीके से ये यहाँ पर फिट भी हो गया है। ये ऐसे भी ये भी फिट था, ये तो ऑलरेडी फिट था हमारे क्यूब में। अब हम अपने आखिरी पीसेस को ढूंढते हैं।
यहाँ तो कोई बड़ा पीस लगेगा, उसको ढूंढते हैं अब हम। ये रहा एक बड़ा पीस, इसको आर डी से मैच करने की कोशिश करते हैं। आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब देखिए ये भी मैच नहीं हो रहा, ये छोटा पड़ गया है यहाँ के लिए, तो ये थोड़ा बड़ा है यहाँ के लिए। तो चलिए अगले पीस को ढूंढते हैं, वो ये पीस यहाँ का नहीं है, इसको वापस हटा दिया था मैंने। अब देखिए यहाँ पर यहाँ का पीस ढूंढ लेते हैं, आखिरी में तो यहाँ का मिल ही जाएगा। देखिए जैसे हम 3x3 में कॉर्नर्स मैच करते थे तो हमारी फर्स्ट लेयर भी बन जाती थी, इस क्यूब में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हमारे जैसे ही कॉर्नर्स मैच हो जाएंगे हमारी ये लेयर भी बन जाएगी अपने आप ही। तो कॉर्नर्स, अब देखिए मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पीस यहाँ आ जाएगा, तो इसको आर डी से ला कर देख लीजिए। ये देखिए ये फिट भी हो गया है यहाँ पर, ये देखिए हमारी फर्स्ट लेयर भी बन रही है इसके साथ साथ। अब बस एक ये पीस रह गया, ये ही फिट करके देखते हैं। ये देखिए मेरे सारे पीस फिट हो चुके हैं, और देखिए जैसे इस क्यूब में होता है यहाँ के सारे एच पीसीज मैच है, इसमें भी एच पीसीज मैच है। अब हमारे ये देखिए ये यहाँ पर मैच है, ये यहाँ पर मैच है, ये यहाँ पर मैच है। तो अब हम बढ़ेंगे सेकंड लेयर की, और सेकंड लेयर बनाने भी बहुत आसान होती है मिरर क्यूब में। देखिए हमारे 3x3 में ऐसे बनती थी हमारी सेकंड लेयर, इसमें भी कुछ ऐसे ही बनेगी। ये देखिए फर्स्ट लेयर है ये हमारी। अब अपने क्यूब को ऐसे होल्ड करने की बजाय ऐसे होल्ड कर लीजिए, ये सेंटर मैच है, इस सेंटर से कोई पीस मैच करके देखिए हो रहा है तो। ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, कोई भी पीस मैच नहीं हो रहा। अब हम अपने दूसरे सेंटर की ओर बढ़ते हैं, एक पीस पहले से ही मैच है। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि ये फिट कहाँ हो सकता है। मेरे हिसाब से ये पीस यहाँ का है, तो मैं इसके लिए ये एल्गोरिथम लगाऊंगा। देखिए मैं अपने 3x3 में ऐसी कंडीशन ले आया हूँ कि यहाँ पर एक राइट का पीस फिट करना है। इसके लिए हमें ऐसे करना होगा, यू आर प्राइम, फिर अपनी हम साइड बदल लेते थे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा 3x3 का, तो मैंने उसमें ऐसे ही सिखा रखा है। और फिर एल प्राइम, यू प्राइम और फिर एल, ये मैच हो जाता था। तो चलिए इसमें भी यही करते हैं, यू आर प्राइम। अब हम अपनी साइड बदल लेंगे, इसको इधर घुमा के साइड बदल लीजिए, ऊपर ले जाइए, वापिस इधर लाइए। ये देखिए ये पीस भी हमारा मैच हो चुका है। अब बढ़ते हैं इस पीस की ओर, अब यहाँ का सेंटर पे मैच करके देखते हैं कोई पीस। ये देखिए हल्का सा छोटा पड़ गया ये पीस, ये भी ये देखिए ये बाहर आ रहा है, ये ज्यादा बड़ा है। ये देखिए ये पूरी तरीके से मैच है। अब हम इस पे देखते हैं कि ये कहाँ पर फिट हो सकता है, ये यहाँ पर ही फिट होगा क्योंकि ये बड़ा पीस है। वही एल्गोरिथम राइट का आया पीस हमारा, वही एल्गोरिथम लगा दीजिए जो हमने पिछली बार लगाया था, साइड चेंज करके वापस ले आइए। ये देखिए ये भी हमारे मैच हो चुके हैं, बस अब ये दोनों पीस बचे। अब ये देखिए एक तो हमारा सेंटर पहले से ही मैच है, लेकिन ये शायद छोटा पीस है तो ये यहाँ पर फिट नहीं होगा। किसी और को मैच करके देखते हैं कोई और हो रहा है या नहीं हो रहा, और कोई भी नहीं हो रहा, तो दूसरे सेंटर को होल्ड कर लीजिए। ये देखिए एक ये हो रहा है, इसको हम यहाँ पर फिट करने की कोशिश कर लेते हैं। इसके लिए हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे जो हम 3x3 में लगा देते थे। एक मिनट, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 3x3 में कैसे आती है वो कंडीशन, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए हमारी ये कंडीशन आ गई है यहाँ पर, इसके लिए हम ये एल्गोरिथम लगाते थे, यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू, फिर साइड चेंज कर लेते थे, आर यू प्राइम आर प्राइम, और ये मैच हो जाता था। तो चलिए इसमें भी वही लगाते हैं, साइड से होल्ड किया था हमने, लगाइए वही वाला यू एल प्राइम यू बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए मैंने इस एल्गोरिथम को लगाया तो ये देखिए ये पीस यहाँ पर हल्का सा छोटा है, ये यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, तो अब हम इसको यहाँ पर मैच करके देखते हैं। इसको वापस ऊपर लाने के लिए कोई ये वैसे यहाँ पर भी मैच नहीं होगा, तो हम दूसरे पीस को ढूंढ लेते हैं उसको ऊपर लाने की बजाय। अब हम ये सेंटर से मैच करके देखते हैं, ये देखिए ये मैच हो रहा है, लेकिन ये छोटा पीस है, ये फिट नहीं होगा शायद से, किसी और से मैच करके देखते हैं, और कोई भी मैच नहीं हो रहा। इस पीस को हम बाहर निकालते हैं पहले यहाँ से, इसके लिए ये एल्गोरिथम लगाइए जो हमने लेफ्ट साइड वाले के लिए लगाया था। ये देखिए मेरा क्यूब थोड़ा सा अटक रहा है, यू आर और फिर वापस यू प्राइम, और इसको नीचे ले आते थे। अब देखिए हमारे पास एक बड़ा पीस बाहर आ गया, अब इसको इधर मैच करके देखते हैं। इधर ये इधर से तो मैच हो गया, वही वाला लगाइए, यू प्राइम एल प्राइम यू एल और फिर यू, फिर साइड बदल लेते थे हम, आर फिर यू प्राइम और फिर आर प्राइम। अब देखिए हमारा ये पीस भी मैच हो गया है, अब हम अपने आखिरी एच पीस की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये मैच हो गया, ये दूसरे सेंटर से मैच हो जाए कोई बात नहीं। देखिए अब वही एल्गोरिथम जो एल वाले में हमने लगाया था, यू इसको नीचे ले आइए, फिर यू करते ही अपनी साइड बदल के आर यू प्राइम और फिर आर प्राइम। अब आप देख सकते हैं हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल इसकी तरह। अब हम अपने अगले स्टेप में करते थे, 3x3 बनाते समय हम एक यहाँ पर क्रॉस बनाते थे, तो हमें अब इसमें भी यहाँ पर एक क्रॉस बनाना होगा। तो क्रॉस बनाने के लिए एक एल्गोरिथम लगाते थे हम, इसमें सेम एल्गोरिथम इसी में भी लगाना है, तो चलिए उस एल्गोरिथम को लगाते हैं। आप देखेंगे कि सेकंड लेयर बनाते ही आपको अपने क्यूब मिरर क्यूब में एक एल दिखेगा, उस एल को ऐसे होल्ड कीजिए कि एक एल की साइड आपकी तरफ हो और एक राइट साइड हो। तो चलिए अब ये एल्गोरिथम लगाइए जो अब 3x3 में लगाते थे, ये एल्गोरिथम लगाइए यहाँ से एल पकड़ के, एफ आर यू आर यू आर प्राइम यू प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। इसके बाद आप देखेंगे हमारे क्यूब मिरर क्यूब में एक लाइन आ चुकी है हमारे पास, ये रही वो लाइन। इस लाइन को आपको ऐसे होल्ड करना है कि वो हमारी तरफ फेस ही ना करे, इस लाइन को ऐसे होल्ड कीजिए ताकि इस लाइन का एक हिस्सा उधर जाए एक हिस्सा इधर जाए, यानी कि लेफ्ट राइट में हो इनके हिस्से। अब चलिए फिर से वही एल्गोरिथम लगाइए, क्यूब को इस पोजीशन में होल्ड करके आर एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और दोबारा इसको नीचे ले आइए। अब आप देखेंगे हमारे पास एक क्रॉस बन चुका है, क्रॉस बनाने के बाद हम इसको सेंटर पीसीस से मिला के देखते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका सिर्फ दो ही सेंटर मैच हो रहे होंगे, ओपोजिट वाले भी हो सकते हैं साइड वाले भी, लेकिन मेरा एक ही हो रहा है। आपके क्यूब में ऐसा केस भी आ सकता है कि आपका कोई भी ना हो रहा हो, तो इसमें आपको वही सेम एल्गोरिथम लगाना है जो मैं लगाऊंगा, किसी एक मैच साइड को होल्ड नहीं करना, आपने अनमैच साइड को होल्ड कीजिए अपने क्यूब की, अनमैच साइड को होल्ड करके ये एल्गोरिथम लगा दीजिए अपने क्यूब पे। अनमैच साइड होल्ड की मैंने अपने क्यूब में ये एल्गोरिथम लगा दीजिए, आर यू आर प्राइम यू टू और इसको नीचे ले आइए। अब अपने एच पीस को मैच करके देखिए, अब आप देख सकते हैं हमारे सारे एच पीसेस मैच हो गया है सिर्फ एक एल्गोरिथम लगाने से। अब देखिए अब हम अपने क्यूब के कॉर्नर्स को प्लेस करेंगे उनकी सही पोजीशन में, मेरे को लगता है मेरे सारे कॉर्नर सही पोजीशन में हैं, तो मैं यहाँ से नॉर्थ सिंपली आर डी करूँगा, लेकिन आपका ऐसा भी केस आ सकता है
कि आपका कोई कॉर्नर मैच ना हो रहा हो, तो उसमें आप इस कॉर्नर को होल्ड करके, मैं आपको बताता हूँ अभी 3x3 में करके, कोई किसी मैच कॉर्नर को होल्ड कर लीजिए, रुक जाइए एक बार, मैं अपने एच पी सी को मैच कर लेता हूँ एक बार। देखिए तो मेरे तो सारे ही मैच है, अगर आपका कोई एक मैच ना हो तो आप किसी भी मैच साइड को पकड़ लीजिए, जैसे मेरी एक इसमें ये मैच साइड है, इसको पकड़ के, इसमें ये मैच साइड है, इसको पकड़ के ये एल्गोरिथम लगाइए, यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम और फिर यू प्राइम और फिर एल। अब आप देखेंगे आपके सारे मैच हो जाएंगे। और उसके बाद नॉर्मली हम अपने 3x3 क्यूब में आर डी करते थे, जो हम इसमें करने वाले हैं। अब आर डी करते हैं। आर आपका क्यूब खराब हो रहा होगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बाद में ये फुल क्यूब भी बन जाएगा। अभी ये आर डी कर रहा, ये मैच हो गया। अब इस लेयर को, जो अनमैच है उसको अपने सामने ले आइए, ये अनमैच था इसको मैं अपने सामने ले आया, आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी, बस ये देखिए ये भी मैच हो गया। अब ये अनमैच साइड रहेगी, इसको अपने सामने ले आइए, फिर से वही आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। देखिए हमने अपने मिरर क्यूब को पूरा कर लिया है। बस ये था मिरर क्यूब में, बहुत आसान था मिरर क्यूब को बनाना। मैं इसको भी एक बार बना के दिखा देता हूँ, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये मैच को आप अनमैच साइड को अपने सामने ले आइए, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये भी बन गया हमारा दोनों क्यूब, मैंने बता दिया इस वीडियो में आपको। लेकिन मिरर क्यूब को बनाना बहुत ईजी होता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे क्यूब के कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।